मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की रार के बीच सरकार पर संकट आ गया है। सोमवार को इस पर सोनिया गांधी ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। पार्टी आलाकमान ने विधायकों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए खड़गे और माकन से पूरे घटनाक्रम की मंगलवार सुबह तक लिखित रिपोर्ट तलब की। करीब 2 साल बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट गुट एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के चलते नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। सोनिया से बैठक के बाद प्रभारी महासचिव अजय माकन ने कहा कि घटनाक्रम की जानकारी सोनिया को विस्तृत रूप से दी है। उन्होंने कहा कि कई विधायकों के विधायक दल की बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता है, इस पर कार्रवाई का निर्णय आलाकमान को करना है। माकन ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक स्थान और समय मुख्यमंत्री गहलोत की अनुमति से तय किया गया था, लेकिन गहलोत गुट के विधायक ग्रुप में अपनी बात रखने की बात पर अड़े रहे। इसके साथ ही 3 शर्तों को प्रस्ताव में शामिल करवाना चाहते थे, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होगा, होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? दूसरा उन्होंने ये कहा कि सब हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हरेक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे।